दिस ह्यूमन सिस्टम इन योगा वी लुक एट इट एज फाइव शीट्स। इस इंसानी तंत्र को योग में हम पांच कोशों या पांच परतों के रूप में देखते हैं, शरीर की पांच परतें। योगिक प्रणाली में मन जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ शरीर के तौर पर ही देखा जाता है क्योंकि हम इसे रूपांतरण की तकनीक के तौर पर देख रहे हैं। इन्हें कहते हैं अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्न यानी आपके द्वारा खाया गया खाना, आप जिसे अपना शरीर कहते हैं वो आपके द्वारा खाया गया खाना ही है। ये खाने का ढेर है, छोटा या बड़ा आपकी मर्जी है, लेकिन ये खाए हुए खाने का ढेर ही है। जिस तरह से एक भौतिक शरीर है उसी तरह एक मानसिक शरीर भी है। मन यानी ये यहाँ या वहां नहीं है, शरीर की हर कोशिका की अपनी खुद की समझ है, शरीर की हर कोशिका की अपनी खुद की याददाश्त है। तो मन का भी एक शरीर है, इसलिए इसे मानसिक शरीर या मनोमय कोश कहते हैं। वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इन्हें पावर से नहीं जोड़ते। तो शरीर की तीसरी परत प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर कहलाती है। इन तीनों की प्रकृति भौतिक है। शरीर की अगली परत एक संक्रमणशील शरीर है जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इट इज अ ट्रांजिटरी बॉडी। ये शरीर भौतिक और अभौतिक के बीच की अवस्था में होता है। इसमें भौतिकता के कोई भी गुण नहीं होते, लेकिन साथ ही ये पूरी तरह से अभौतिक भी नहीं बना है। पांचवा शरीर आनंदमय कोश कहलाता है। अंग्रेजी में इसे ब्लिस बॉडी कहते हैं। आनंदमय कोश का मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर एक आनंद का बुलबुला है। हम इसे आनंदमय कोश इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब भी इसे छूते हैं हम आनंदित हो जाते हैं, इसलिए हम इसे आनंदमय कोश कह रहे हैं। आनंद इसका स्वभाव नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह आनंद पैदा करता है। It is a non-physical dimension. ये एक अभौतिक आयाम है जो हर उस चीज का स्रोत है जो भौतिक है। अगर आप भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर को एक सीध में और संतुलन में ला सकें तो आपको कोई भी शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं होगी। इन शरीरों के संतुलन से बाहर होने के कारण ही तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। जब शरीर ईज में होगा तो आपको कोई डिसीज नहीं होगी। अगर ये तीनों शरीर संतुलन में होंगे तभी आपको रास्ता मिलेगा, तभी आपको आनंदमय कोश को छूने की संभावना मिलेगी और आनंद एक सहज अवस्था बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज के कारण आनंद में हैं, आप आनंद में हैं क्योंकि यह जीवन की प्रकृति है। अच्छी सेहत के लिए आपको तीन बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा, भोजन, गतिविधि और आराम। जब भोजन की बात आती है तो सबसे जरूरी यह है कि आपको सजग रहना होगा कि किसी खास दिन में आपने जो भोजन खाया, आपने जो भी खाया हो, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितनी जल्दी हजम हुआ और आपका हिस्सा बन गया। कोई भी खाना जो आप खाते हैं अगर वो पेट में 3 घंटे बाद भी बैठा रहता है तो इसका मतलब है कि आपने गलत चीज खाई है। आपको वो चीज खाने से परहेज करना चाहिए या उसकी मात्रा घटा देनी चाहिए। अगर भोजन 3 घंटे के भीतर आपके अमाशय या स्टमक बैग से बाहर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने ऐसी चीज खाई है जिसे आपका सिस्टम आसानी से संभाल सकता है। शायद वो खाने के लिए सबसे अच्छी चीज न हो, लेकिन आपका सिस्टम उसे संभाल पा रहा है। और एक समय के भोजन और दूसरे समय के भोजन के बीच अगर आप 5 से 6 घंटे की स्पष्ट दूरी रखते हैं और उस बीच कुछ नहीं खाते तो आप देखेंगे कि शरीर में सफाई की प्रक्रिया काफी अच्छे से होगी। कोशिकाओं के स्तर पर सफाई होगी और कोशिकाओं के स्तर पर होने वाली सफाई सेहतमंद जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 समय के भोजनों के बीच कम से कम 5 से 6 घंटे की दूरी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से अधिक है तो आपके लिए दिन में 2 बार भोजन, 2 बार अच्छे से भोजन करना काफी होगा, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। शाम का भोजन बिस्तर पर जाने से कम 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। और अगर आप थोड़ी हल्की शारीरिक गतिविधि कर सकें, बहुत ज्यादा थकाने वाली गतिविधि नहीं, बस यूं ही टहलना या थोड़ा सा नाचना या ऐसा कुछ कीजिए कि शाम के भोजन के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट की कोई शारीरिक गतिविधि हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर काफी हद तक सेहतमंद रहेगा। अगर आप पेट में अनपचे भोजन के साथ सोने जाते हैं
a certain level of inertia is generated in the system. तो सिस्टम में एक तरह की जड़ता पैदा होती है। शारीरिक तौर पर ये कुछ ऐसा होगा मानो आप मौत की ओर बढ़ रहे हों। मौत परम जड़ता है और अगर आप भरे पेट के साथ बिस्तर पर लेटते हैं तो एक तो इससे जड़ता पैदा होती है और दूसरा पहलू ये भी है कि भरा हुआ आमाशय पेट के अंदर मौजूद दूसरे अंगों पर वजन और दबाव डालेगा। इसके कारण भी कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी। जब भी आप सोने के लिए लेटते हैं ये बहुत जरूरी है कि खाना स्टमक बैग से निकल चुका हो ताकि ये हल्का हो। चूंकि आप सोते समय करवट लेते रहते हैं इसके कारण दूसरे अंगों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक शारीरिक गतिविधि की बात है इतने कम समय में मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कसरत नहीं बताने वाला। हमें बस इतना समझना होगा कि हमारा शरीर आगे झुक सकता है पीछे झुक सकता है और दाएं बाएं दोनों ओर मुड़ सकता है। इतनी शारीरिक गतिविधि जरूर होनी चाहिए। आप चाहे से जिस भी रूप में करें अगर आप क्लासिकल हठ योग करते हैं तो ये इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे करने का वैज्ञानिक तरीका है। अभी अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो आप ख्याल रखें कि आप हर दिन किसी न किसी तरह अपने शरीर को आगे झुकाएं पीछे झुकाएं दाईं और बाईं ओर मोड़ें और उकड़ू होकर बैठें ताकि रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच किया जा सके। किसी को हर दिन कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। इस तरह सारा सिस्टम सेहतमंद रहेगा, खास तौर पर स्नायु तंत्र या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो कि उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होने लगता है। किसी इंसान को कितना आराम करना चाहिए ये बात कई चीजों पर निर्भर करती है। एक अहम चीज ये है कि इंसान किस प्रकार का और कितनी मात्रा में भोजन करता है। जब मैं भोजन के प्रकार की बात करता हूँ तो आपको भोजन के साथ प्रयोग करके देखना चाहिए कि किस तरह का भोजन सबसे ज्यादा भारीपन का एहसास लाता है और किस तरह का भोजन आपको चुस्त रखता है। अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके भोजन का कम से कम 40% हिस्सा ताजे फल और सब्जियां हो तो आप देखेंगे कि शरीर में हल्कापन आ जाएगा, क्योंकि शरीर को आराम की जरूरत होती है और जरूरी नहीं है कि वो नींद से ही मिले। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोने से ही शरीर को आराम मिलता है। नहीं, बैठे हुए या खड़े हुए भी आप या तो आराम की अवस्था में हो सकते हैं या बेचैनी की अवस्था में या जड़ता की अवस्था में। अगर आप एक जीवंत आराम की अवस्था में हैं जीवन के हर पल में तो आपकी नींद मात्रा खुद ब खुद कम होती जाएगी। सोते समय आपके जोड़ों में चिकनाई लाने वाले द्रव्य जम जाते हैं और उनका प्रवाह रुक जाता है। सुबह जब आप जागते हैं तो शरीर मांग करता है कि आप पहले जोड़ों में चिकनाई लाएं। बाहों का दिशा चलन ऐसा करने का एक सरल तरीका है।